हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जाने वाले हैं लिमोन। रिजॉर्ट का नाम है आलमंड एंड कोरल्स और ये कुछ यहाँ से 250 किलोमीटर के दूरी पे है। एंड वी विल कवर इट इन अराउंड 5.5 आवर्स। तो बहुत ही सुंदर सी जगह है ये, और मैंने सुना है कि वो एक बीच साइड रिजॉर्ट है। पुंता उवा बीच का नाम है। तो लेट्स गो, लेट्स सी। बारिश का मौसम है, आई होप दैट इट डजंट रेन्स देयर। बट देन अगेन, बारिश होती भी है तब भी हम लोग फुली प्रिपेयर्ड हैं इंजॉय करने के लिए। सो या, मिलते हैं रिजॉर्ट पे और आपको रास्ते का व्यू भी दिखाता हूँ इन द मीन टाइम। सो सी यू। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है अभी। मौसम थोड़ा क्लाउडी है बट थैंकफुली देयर इज नो रेन्स। सो लेट मी शो यू अराउंड। इट्स नॉट दैट ह्यूमिड एज़ वेल, सो आई लव दैट। ये है हमारा रिजॉर्ट। इट्स अ वेरी रस्टिक काइंड ऑफ अ रिजॉर्ट। कॉटेज है और वेरी नेचर फ्रेंडली एक्चुअली। सो आपको भी दिखाता हूँ कि ये किस हिसाब से इन लोगों ने बनाया है। सो लेट मी शो यू द रिसेप्शन अराउंड। सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया गाइस। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये रिसेप्शन काउंटर है एंड वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इन। चाबी मुझे मिल चुकी है तो यहाँ से हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। So it's all wooden around here. आप देख सकते हो कोई ऐसा कॉन्क्रीट रूफ नहीं है ऊपर। एंड मैं अभी आपको यहाँ का ट्रेल दिखाता हूँ टूवर्ड्स आवर रूम। एंड वी गो टूवर्ड्स आवर रूम। बेसिकली इट्स अ कॉटेज एक्चुअली। ये सामने आप देख रहे हो, ये एक कॉटेज है। स्मार्ट ये, और यहाँ बिलबोर्ड्स भी लगे हैं। रूम नंबर इज 21 and 25। सो 21 इज ऑफ माय फ्रेंड and that's 25 which is ours. You see, it's a very rustic feel. चारों तरफ जंगल ही है सर, और बहुत ही tranquility है, peaceful, isn't it? Let's go towards our room. ये आ गया हमारा कॉटेज। अब और भी खुल जा सिम सिम। एंड दैट्स आवर कॉटेज फॉर यू। अ नाइस किंग साइज बेड। मैंने बताया था आपको कि हम लोगों ने चेक इन ऑलरेडी कर दिया था एंड देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आफ्टर दैट। सो खास बात यह है कि इस रूम में एसी नहीं है, ये चारों तरफ से खुला हुआ है। तो अगर आप देखो इधर, दिस इज ऑल ओपन। ये सिर्फ पर्दे ही हैं जो कि दीवार बन के हमारे बीच हैं, बट अदरवाइज द होल कॉटेज इज एक्चुअली ओपन, द बाथरूम एज वेल।
let me show you the bathroom area. So this is our bathroom and the shower area. Thankfully there is a cover. नहीं तो हमें टर्जन टर्जन खेलना होता. सो दैट्स द टूर ऑफ आवर लिटिल कॉटेज. कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा. बट पर्सनली आई लव इट. आई थिंक ये लाइफ में पहली बार हुआ है जब मैं कुछ ऐसे कॉटेज में एक्चुअली रुक रहा हूँ. इट्स क्वाइट स्पेशियस एक्चुअली. आप देखो तो एक फैमिली के लिए काफ़ी है एंड वेरी कोजी एज वेल. ऑल्दो इट्स ऑल ओपन बट स्टिल द कोजीनेस इज देयर. I still feel very comfortable. हालांकि अगर पर्दे हटा दूं तो सारी पब्लिक हमें देख सकती है. So yeah, that was the tour of the room. और अब मैं आपको ले चलता हूँ बीच पे. So, vámonos. चलते हैं अभी बीच की तरफ. I'm walking on this trail here, which will take us to the beach. Hi. Lot of American tourists here. मैंने जब चेकिंग किया तो उस समय बहुत सारे और भी लोग चेकिंग कर रहे थे. Most of them were Americans. So it's the goodwill is good with the Americans for this resort. See how does it goes for us. तो ये अभी हम रेस्टोरेंट आ गए हैं. अभी आपको मैं रेस्टोरेंट की एंट्री दिखाता हूँ. सभी एक जंगल के बीच में है. दिस इज एक्चुअली अ जंगल फॉरेस्ट एरिया. इसके बीच में इन्होंने ये छोटा सा रिजॉर्ट बना रखा है. देयर इज म्यूजिक गोइंग ऑन द बार. And a life-size chessboard as well. और क्या चाहिए. तो ये हो गया रेस्टोरेंट का टूर और नाउ लेट्स गो टू द बीच. बीच का ट्रेल भी यही है एंड इट्स ऑल वुडन. पूरा पार्क जो है वो वुडन का वुड कार्व्ड है और एक अलग सा ही एक्सक्लूसिविटी देता है ये ओवरऑल. आई रियली लाइक द वे दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग. ये अभी आप रैंप जो देख रहे हो दिस इज फॉर द टॉयलेट हियर. Shower area once you go to the beach and then want to clean yourself. So overall there are 6 showers. It's plenty enough for a group. Let's go to the beach. Main bilkul hi gum ho gaya forest mein. So this is the entry to the beach guys.
एंड लेट्स गो। दैट्स पुंता हुआ बीच हो यू ब्यूटीफुल। ज़्यादा सनी नहीं है इधर वेदर, तो पानी का कलर पूरा विजिबल नहीं है। अदरवाइज मैंने सुना है कि ये ब्लू वाटर बीच है जहाँ पे कि पानी बिल्कुल नीला होता है। बट एनीवेज स्टिल वर्थ इट। तो ये एक्चुअली एक ऑफ सीजन है, इसलिए ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे हैं। दिस प्लेस तो अभी ज्यादा कुछ आज का प्लान तो है नहीं। विल स्पेंड द डे हियर एट द बीच एंड देन टुमारो वी प्लान टू गो टू तोर्तुगेरो विच इज द अदर साइड ऑफ द लिमोन। और ये एक एक्चुअली छोटा सा गांव है, इट्स अ विलेज विच इज सराउंडेड बाय दिस रिवर तोर्तुगेरो। और द रिवर इज वेरी मच सिमिलर टू द रिवर अमेजॉन जो कि आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। ये बिल्कुल ऐसा एक स्नेक की तरह, एक सांप की तरह जाता है। और देर इज नो अदर वे टू रीच द विलेज, इट्स अ स्मॉल विलेज टाउन। और वहाँ पे जाने के लिए आपको बोट लेना होगा और बोट से देन वी विल जस्ट यू नो गो टू दैट विलेज। विल स्टे अनदर टू डेज देयर और फिर वापस फिर अपने घर को। सो लॉट ऑफ टूरिस्ट्स। तो या अभी हम लोग बस इधर बैठेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, कुछ खाना खाएंगे एंड विल जस्ट आई थिंक स्पेंड द डे आइडली। ज़्यादा आज का कुछ प्लान नहीं है, नो एडवेंचर स्पोर्ट्स नथिंग, वी आर जस्ट गोना रिलैक्स। मौसम भी बिल्कुल वैसा ही है, बस कुछ दोस्तों के साथ बैठो, गप्पे शप्पे मारो, चाय पकौड़े खाओ। हालांकि पकौड़े तो इधर नहीं मिलेंगे पर चाय ज़रूर मिल जाएगी। ऐसे कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, मे बी हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट चेकआउट करने जाएं। बट बहुत सारे क्विजाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द अदर फोक्स प्रेफर, हम लोग उस हिसाब से लंच के लिए जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल और ज़्यादा कुछ नहीं, रूम पे चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं दिन में क्या करना है। सो टिल देन थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वे मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी कमेंट्स है तो प्लीज़ ड्रॉप इन, लेट मी नो मैं इसको कैसे और बदल सकता हूँ, इसको कैसे सुधारा जा सकता है and I will work on that. So thank you and see you guys around. Pura vida.